थे, आज हम बाकी MCQs उसके करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। वो कहता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये होगा वो खुद न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। एक बेटा है अल्केन, अल्केन में तो बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ये लेस न्यूक्लियोफाइल है। फिर है अल्कीन, ये बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बेटा इसमें पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होने की वजह से ये बेटा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। अब न्यूक्लियोफाइल बेटा किस पे अटैक करता है, याद रखें इलेक्ट्रोफाइल पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, तो बेटा ये जो अल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये ज़्यादातर किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट पे, तो ये सबसे बेस्ट है। बेंजीन नहीं है बेटा और अल्काइन भी नहीं है, सिर्फ अल्कीन आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा फिर आपके पास अप टू डैश कार्बन एटम्स अल्केन्स आर गैसेस, बेटा C1 से लेकर 4 तक सारी की सारी गैसेस हैं, तो इसका ये बेस्ट ऑप्शन है सी। फिर आपके पास बेंजीन इज प्रीपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, बेटा याद रखें बेंजीन हमने बनाना है ठीक है, लेकिन उसके ऐसे मोनोमर्स लेने हैं जिससे मिल के वो बेंजीन बन जाए, तो बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, तो कौन सा ऐसा कंपाउंड लें जब वो आपस में अटैच होता जाए और बेंजीन बनाता जाए। बेटा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड बेटा किस में, इथेन में तो सिंगल होता है, इथीन में डबल है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका ये देखें आगे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए और इसको भी एक हाइड्रोजन चाहिए। बेटा इसके टोटल कितने एन मिलेंगे, वे कार्बन टोटल कितनी होती हैं बेंजीन में 6, एन बेटा यहाँ पे कितना आएगा 3 क्यों आएगा जी, देखें एक कार्बन ये 3 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी 3 हो जाएगी, तो टोटल 3+3 6 कार्बन हो जाएंगे और ये आपस में मिलते जाएंगे, तो टोटल आपके पास जो पॉलीमराइजेशन होती है एक्चुअली वो किसकी होती है, बेंजीन बनाने के लिए इथाइन की होती है। जैसे जैसे ये मिलते जाएंगे मोनोमर छोटे छोटे कंपाउंड, ट्रिपल से डबल बॉन्ड भी जनरेट होता जाएगा, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जी इथाइन। अच्छा फिर बेटा आपके पास है 24 प्रीपरेशन ऑफ घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इन्वॉल्व, मतलब प्रीपरेशन ऑफ घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, घी की प्रिपरेशन करनी है मतलब घी बनाना है ठीक है, मतलब कि आपने सैचुरेटेड बनाना है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, और जो ऑयल होता है वो क्या होता है अनसैचुरेटेड होता है ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजिनेशन करनी पड़ेगी ताकि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाए ठीक है। फिर आगे पास MCQ नंबर 25 CH3CH2MgBr, मतलब कि ये आपके पास क्या कहलाता है ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे आप रिएक्शन देखें क्या होगा, मैं ज़रा इसको एज मैकेनिज़म समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास ये है जी CH3CH2MgBr, बेटा याद रखें जो मैग्नीशियम है ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसके ऑपोजिट ये दोनों क्या हैं नेगेटिव चार्ज। इधर हम वाटर देखते हैं जी, वाटर हमारे पास मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ HOH, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट याद रखें बेटा जो वाटर का OH है वो हमेशा किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाता है, जैसे ही OH इसके साथ अटैच होगा ये वाला बॉन्ड बेटा क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला नेगेटिव फिर जब ब्रेक होने के बाद मिलेगा तो किससे मिलेगा, इस पॉजिटिव वाले से मिलेगा, तो ये क्या बनेगा जी CH3, ये CH2 था, अगर H के साथ मिले तो ये भी क्या हो जाएगा CH3, तो
तो ये बन गया जी इथेन। बाकी एम जी बी आर के साथ क्या अटैच होने जा रहा है, ओ एच, तो ये बन जाएगा एम जी बी आर, और इस एम जी के साथ क्या अटैच हो जाएगा, ओ एच। तो वो कहता है क्या चीज़ बनेगी यहाँ पे, क्या मीथेन बनेगा, क्या मैथनल बनेगा, क्या इथेन बनेगा। ये देखें हमारे पास इथेन बना है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन बेटा आपके पास क्या है जी, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री इथेन बना है। फिर बेटा आपके पास है ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हैलोजिनेशन इन अल्केन, अल्केन में जो हैलोजिनेशन का ऑर्डर है वो कैसा है, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्ट करता है। याद रखे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो फास्ट एक्शन करता है, फ्लोरीन के बाद फिर क्लोरीन, बरोमीन और आयोडीन। ये बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बरोमीन और आयोडीन। अच्छा फिर है 27, द कम्बस्टन ऑफ वन मोल ऑफ C2H6 विल प्रोड्यूस, मतलब हमने इसकी कम्बस्चन करनी है, एक मोल लेना है और इसकी कम्बस्चन करनी है, विल प्रोड्यूस हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर, और वाटर कितना बनेगा ये बता रहे हैं, लेकिन ये शर्त है इसका एक मोल लेना है। चैलेंज इसको करके देखते हैं। हमारे पास है जी C2H6+O2 गिव अस, बेटा कार्बन ऑक्सीजन से मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अच्छा, और हाइड्रोजन अगर मिले तो वाटर बनता है। क्लियर हो गया। अब बेटा हमारे पास वो कहता है कितने मोल है जी इसका, वन, मतलब इसको आपने नहीं छेड़ना, ये वन ही रहना चाहिए, बाकी जिस चीज़ से मर्जी मल्टीप्लाई करते फिरें। कार्बन यहाँ टू है तो इधर भी टू होनी चाहिए जी, मैंने बैलेंस के लिए टू लगा दी। इधर हाइड्रोजन बेटा है सिक्स, तो राइट साइड पर भी सिक्स होनी चाहिए, तो इधर थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि थ्री क्रॉस टू क्या हो जाए, सिक्स हो जाए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन टू है, जबकि राइट साइड में देखें टू क्रॉस टू फोर और ये कितनी है थ्री, तो टोटल होगी सेवन, तो इधर भी सेवन होनी चाहिए जबकि इधर टू है, तो मैं ऐसे करूँगा सेवन बाय टू कर दूँगा, सेवन बाय टू, ताकि टू से टू कैंसिल, सिर्फ सेवन है। लेकिन हमने क्या बताना है, वाटर कितना बनेगा, देखते हैं जी बैलेंस करने के बाद वाटर कितना बन रहा है, थ्री बन रहा है, ठीक है। तो अब जाते हैं हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ, कितना वाटर बना है जी हमारे पास, ये इसका सी आंसर है, थ्री बना है। तो बेटा इक्वेशन बैलेंस से हम बता देते हैं कि वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ। 28 जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज, बेटा CnH2n-2, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जनरल फार्मूला इसका। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एसिडिक, बेटा एसिडिक वो होता है जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होती है, मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हो और उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड पहली कार्बन के साथ लगा हो। देखते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन में टोटल कितनी कार्बन होती हैं जी, थ्री, और वाई एन ई है, इसका मतलब है एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये जी ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास। इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड इसके हो चुके हैं, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो जिसके पास एक हाइड्रोजन हो वो एसिडिक होता है, याद रखना है, इसे टर्मिनल हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये बेटा इस कार्बन का, इस कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस वजह से हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो जाएगा, जो हाइड्रोजन दे देता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अच्छा वन ब्यूटाइन, मतलब कि पहली के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो वन ब्यूटाइन ये लें जी, वन और चार कार्बन वाली, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है लेकिन पहले के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, अच्छा जी, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो जिसके पास एक हाइड्रोजन हो और वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये भी एसिडिक है। इथाइन भी बेटा जिसमें दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी, ये भी एसिडिक है, तो ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे टर्मिनल हाइड्रोजन रखते हैं तो एसिडिक हैं। नेक्स्ट बेटा है रिमूवल ऑफ हैलोजिन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन भी चली जाए हैलोजिन भी चली जाए, तो उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो ये बेटा बेस्ट ऑप्शन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। फिर है 31 एसीटोन इज प्रीपेड बाय हाइड्रेशन ऑफ, मतलब के एसीटोन कब बनता है, प्रीपेड बाय हाइड्रेशन ऑफ, किसकी हाइड्रेशन करें, मतलब तो किस में वाटर ऐड करें। पहले तो याद रखें एसीटोन में टोटल कितनी कार्बन होती है, थ्री,
ये देखें जी, 3 कार्बन होती हैं, मतलब एसीटोन को हम कीटोन भी कहते हैं। इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए और इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। इधर आ जाते हैं, ये देखें जो एसीटोन होता है उसमें 3 हाइड्रोजन होती हैं, 1, 2, 3, और उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कीटोन भी कहते हैं। अब 3 कार्बन होनी चाहिए तभी आपके पास उस एसीटोन बनेगा। बताएं 3 कार्बन किस किस के पास है। इथाइन के पास तो 2 होती हैं, प्रोपाइन के पास 3 होती हैं, इथेन के पास भी 2 हैं, ये दोनों तो नहीं हो सकते। प्रोपाइन या प्रोपेन हो सकता है। बेटा प्रोपेन के पास तो सिंगल बॉन्ड होता है, इससे भी नहीं बन सकता। जिसके पास बेटा ट्रिपल बॉन्ड है उसी की हाइड्रेशन करेंगे तभी एसीटोन बनेगा। मतलब के ये देखें, ये 3 कार्बन है, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको तो नहीं चाहिए, इसको 3 चाहिए। प्लस हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं या हो ही नहीं या सबसे कम हो, तो ये बेटा इसके पास जाके अटैच होगा। जैसे ही OH इसके पास अटैच होगा बेटा ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जी क्या बनता है आपके पास। CH और ये H फिर इसी को मिलेगा, CH2 और ये O और H, ये ला के OH। ठीक है, फिर आपके पास ये रह गया CH3। अब बेटा इसके बॉन्ड नहीं पूरे, मतलब कि यहाँ पे ट्रिपल से जैसे ही ये जाके अटैच होगा OH, ये ट्रिपल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। और ये जो एक H इसके पास नहीं थी अब एक्स्ट्रा आई है, ये वाली H चाहिए। ठीक है, अभी भी बेटा एसीटोन नहीं बना, अब रीअरेंजमेंट करनी है। मतलब कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाली हाइड्रोजन रिमूव होके किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। और बेटा ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, देखें जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, 2+2, 4+1, 5, इस वजह से ये वाला बॉन्ड बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी, मतलब के हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुई और इसको मिल जाएगी, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, तो ये एसीटोन बन गया। तो किस से बना, प्रोपाइन से बना, तो ये बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा है जी, विच आयन इज़ द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेशन। बेटा वो लीस्ट स्टेबल होता है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन्स या अल्काइल कम से कम हो। देखो इसके पास सिर्फ 1 कार्बन है, इसके पास कितनी कार्बन है, 7, 2 अटैच हैं, इसके साथ 1 कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन है। तो जिसके पास कार्बन कम होगी वही बेटा लीस्ट स्टेबल होगा, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखें 1 कार्बन वाला लीस्ट स्टेबल होता है। अच्छा फिर है जी, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब के ऐसे जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल हो, पाई इलेक्ट्रॉन फेवर, जिसमें भी बेटा पाई बॉन्ड होगा वो फेवर करता है, एडिशन रिएक्शन फेवर करता है, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। फिर है जी 34 रेनी निकल इज़ प्रीपेड फ्रॉम बाय ट्रीटिंग विद कास्टिक सोडा। बेटा जब हम एलुमिनियम निकल एलुमिनियम अलॉय को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तभी आपके पास क्या बनता है, निकल मिलता है। मतलब एलुमिनियम को हमने रिमूव कर देना है, सिर्फ निकल रह जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर बेटा है 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वो कहता है कौन सा इसमें से कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता अल्कोहल में से वाटर निकालने के लिए। बेटा देखते हैं P4O10, ये तो बेटा यूज़ होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं होता, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ होते हैं H2SO4 या H3PO4 फास्फोरिक एसिड।
फास्फोरिक एसिड यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, P4O10, सिर्फ नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन है, ये याद रखिएगा। फिर है विनाइल एसिटाइलिन कंबाइन विद HCl टू फॉर्म। विनाइल एसिटाइलिन बेटा क्या होता है, याद रखें, जिसमें एक डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान और दूसरा बेटा क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन, मतलब के टर्मिनल एक साइड पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक साइड में डबल बॉन्ड है, मतलब के और दोनों आपके पास सिमेट्रिकल लग रहे हैं। कहते हैं HCl से रिएक्ट करवाना है जी, HCl से रिएक्ट करवाया जी। अब बेटा जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, याद रखें जिसके पास हाइड्रोजन कम से कम होंगी, इसके पास सिर्फ एक है या हो ही ना, ठीक है, इसके पास है ही नहीं, इसके पास कितनी होंगी एक और इसके पास कितनी होंगी दो। अब नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास है ही नहीं इसके पास जाएगा, तो जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, फिर बेटा इसके साथ क्लोरीन, ये ट्रिपल से कौन सा बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो H रह गई है वो फिर इसको मिल जाएगी CH2। इसको बेटा बोलते हैं क्लोरोप्रीन, क्या बोलते हैं क्लोरोप्रीन, ठीक है, तो ये बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी। अच्छा फिर बेटा आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रीपेयर्ड बाई कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मैथड। बेटा कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मैथड याद रखें अल्केन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मिथेन बनाने के लिए, इथेन बनाने के लिए, प्रोपेन, पेंटेन, मतलब ये सारी अल्केन ही हैं। लेकिन बेटा याद रखें जिसमें दो सी डबल ओ एन ए फिर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, बेटा जब ये रिमूव होते हैं ना तो ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, जिससे बेटा हमारे पास क्या आता है, दो कार्बन वाली हो क्या कहते हैं इथेन आता है, मतलब के सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, ठीक, तो ये वाले बेटा जब कंपाउंड या ये सी डबल ओ एन ए रिमूव हो, इधर भी डबल ओ एन ए रिमूव हो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मतलब के इधर आपके पास दो कार्बन वाली क्या बनेगी इथेन बनेगी, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा फिर आपके पास है लाइंडलर्स कैटलिस्ट इज, किसे कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं प्लाडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है, या क्यूनोलाइन हम कहते हैं, ये बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बेटा हर कैटलिस्ट के साइंटिस्ट ने नेम रखे होते हैं, तो जो प्लाडियम बेरियम सल्फेट क्यूनोलाइन है उसे हम लाइंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर 39 डैश हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, देखें इधर एक पाई और ये दूसरा पाई, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन टू कार्बन शेयर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस साइड पे हैं, तो ये नेगेटिव है, तो ये और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है SP होती है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है सी है। लास्ट बेटा आज से हम 20 करते हैं, विच इज़ इथेन नाइट्राइल। इथेन का मतलब ये है सिर्फ दो कार्बन हो, और नाइट्राइल का मतलब साथ में नाइट्रोजन हो। अब देखते हैं दो कार्बन और नाइट्रोजन कहाँ है, इसके पास एक कार्बन है नाइट्रोजन है, इसके पास एक कार्बन नाइट्रोजन है, इसके पास एक और दो, दो कार्बन और नाइट्रोजन, ये सबसे बेस्ट है, बाकी इसके पास दो कार्बन और ये एक साथ में, ठीक है, तीन कार्बन हो, तो दो कार्बन होनी चाहिए इथेन नाइट्राइल खिलाने के लिए, तो सी आपके पास क्या इथेन नाइट्राइल है। तो बेटा ये आपके पास टोटल कितने MCQs आज के दिन भी आपने कर लिए हैं, 20 MCQs बेटा आज के दिन आपने किए हैं। तो मैं आपको हमेशा 20-20 MCQs करके समझाता हूँ, पिछले लेक्चर भी आप देखें, उनकी भी प्रैक्टिस करें, इसकी भी प्रैक्टिस करें, दोस्तों को भी बताएं, खुद भी बेटा तैयारी करें, जॉब के लिए तैयारी करें, या किसी चीज़ का एंटी टेस्ट देना है उसके लिए तैयारी करें,
ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और लाजमी बेटा इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करते जाएं और साथ साथ इसको रिवाइज़ करें, ठीक है जी। तो खुदा हाफिज़।